नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा केतु ग्रह के लहसुनिया रत्न के बारे में। लहसुनिया रत्न, जिसको इंग्लिश में कैट आइज भी कहा जाता है, यह खासकर विदेश यात्रा के लिए होता है। जिस प्रकार केतु ग्रह के जो जो भी कार्य हैं उन्हीं के लिए यह खासकर होता है। चमड़ी के रोग वालों के लिए, जिसका चमड़ी का रोग ठीक नहीं हो रहा उनके लिए, जिनको विदेश यात्रा में जाने में अड़चन लग रही है उनके लिए। देखिए केतु ग्रह किस किस कार्य के लिए होता है, मैं आपको यहाँ लिखा दिखा देता हूँ, ध्यान से पढ़िए। केतु रक्षा कवच या केतु यंत्र या केतु का स्टोन, विदेश यात्रा के लिए, हवाई यात्रा के लिए, चमड़ी के रोग और महावारी भय, शत्रु का नाश या सजा से बचने के लिए, नजर दोष के लिए होता है। और केतु के कारण, अगर केतु ग्रह कुंडली में नीच का है, किसी प्रकार का अशुभ फल दे रहा है उसके लिए, अगर कोई झूठा कलंक लगता है उसके लिए, कई कार्य के लिए होता है। लेकिन आज बात करेंगे यात्रा के लिए। जिन भाई बहन को विदेश यात्रा जाने में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, तो आप केतु रक्षा कवच पहन सकते हैं या केतु का ये लहसुनिया स्टोन धारण कर सकते हैं। इस प्रकार का होता है, ये वाइट में है और ये ब्राउन में, बड़ा इस तरह का होता है, छोटा इस तरह का होता है, नीचे इस प्रकार का कटिंग का निशान होता है। और इसमें छोटा हो या बड़ा, इनमें यज्ञोपवीत जनेऊ की भांति एक सफ़ेद रंग की वाइट लाइन होती है जो आपको दिख रही है। और इधर को इधर से देखेंगे तो इधर आ जाएगी, इधर से देखेंगे तो इधर आ जाएगी। यह लेबोरेटरी टेस्टेड गारंटी कार्ड के साथ मिल जाता है। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हैं, अगर इस प्रकार का चाहिए तो इस प्रकार का मंगा सकते हैं। रेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारे पास मिलने वाले सभी स्टोन बिल्कुल असली शुद्ध व सिद्ध अभिमंत्रित किए हुए होते हैं। तो आप इनको हमारे भवन से भी मंगवा सकते हैं, अपने वजन के अनुसार या कुंडली दिखवाकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों को लाभ हो। और आपका कोई प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपको अलग अलग उपाय की दी जाएंगी। और पहले भी जो वीडियो दे रखे हैं वो देखने योग्य हैं, आपके काम के। देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो।